महिला दिनी महाराष्ट्र एकीकरण समिती महिला आघाडीतर्फे देशसेवा बजाविणाऱ्या पत्नींचा व मातांचा गौरव करण्यात आला. सदर कार्यक्रम शुक्रवारी शनिवार खुटीतील महिला आघाडी हॉटेलच्या सभागृहात पार पडला. प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून दीप प्रज्वलन करण्यात आले. रेणू किल्लेकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. 8 मार्च म्हणजे जागतिक महिला दिन. 8 मार्च जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून आणि आज जे जवान आमच्यासाठी ते तिथं लढत आहे किंवा आमची रक्षा ते तिथं बसून करत आहे अशा वीर माता आणि अशा वीर त्यांच्या धर्मपत्नी यांचा सत्कार आज आम्ही इथं आयोजित केलेला आहे. यावेळी बोलताना डॉक्टर रत्ना दीक्षित यांनी महिलांनी आत्मनिर्भर बनण्याची गरज असल्याचे सांगितले. एक महिला हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ, स्पेशली आप सब जो कि डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिफेंस में स्पेशली महिला हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको अपनी माँ का रोल याद होगा, जरूर याद होगा कि माँ ने आपको किस तरह से अपना पूरा जीवन दिया और आपको एक अच्छा इंसान बनाया. इस अच्छा इंसान बनने के कारण आज आप अपने जीवन में इतनी रिस्पॉन्सिबल हैं. और जैसा कि मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ये विमेंस डे है, ये फादर डे है और ये हस्बैंड्स डे और सन्स डे और वाइफ्स डे, ये आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. मुझे लगता है कि हर दिन हमारे देश में, आप सोचिए, एक ही कोई दिन होता है जब हमारी जिंदगी होती है या नहीं होती है. तो हाउ कम वी कैन चूज वन डे कि आज ये दिन हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, बाकी के दिन इम्पॉर्टेंट नहीं है. और मुझे लगता है कि मैं सोचूं, अगर मैं जब बच्चा थी या मैं जब अपनी मिडिल एज में थी या यंग एज में थी, इवन व्हेन आई बिकेम अ मदर, उस समय भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मा के बिना मैं कुछ कर सकती थी. हर समय मम्मा से ही एडवाइस लेना या फिर बाद में मदर इन लॉ से एडवाइस लेना. तो माँ का जो रोल होता है ना, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. बहन के फॉर्म में भी होता है, जब तक हम बच्चे होते हैं उस फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अपने माँ बाप से पूछिए कि बेटा अच्छा होता है कि बेटी, वो हमेशा क्या बोलेंगे, बेटियाँ अच्छी होती है. कधी कधी हे छोटे क्षण सुद्धा कोणाला तरी खूप आनंद देऊन जातात. गेल्या 2 दशकांपासून 1 लाखाहून अधिक ग्राहकांचे आयुष्य समृद्ध करणारी लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सातत्य निरंतर. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप घर में हैं, और आज की माँ की, आज की नारी की जो घर में, कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हम बाहर निकल के क्या नौकरी करने जाते हैं, बस वही काम है हमारा, बस वही कंट्रीब्यूशन है. नहीं, मुझे लगता है कि घर में रहने वाली जो महिला है वो जितना बड़ा काम करती है उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वो घर में हर तरह का डोमेस्टिक वर्क, घर में सारा क्लीनलीनेस, सारा फूड से रिलेटेड डिसीजन, सारे मार्केट के डिसीजन. आप खुद सोचिए, हस्बैंड को पता भी नहीं होता कि आप मार्केट जाके कितना सामान लाके घर के लिए रखते हो, तब जब सब बच्चे स्कूल में होते हैं और हस्बैंड काम पर होते हैं. आप कितना मनी मैनेजमेंट करते हो, कितना मनी सेव करते हो फॉर इमरजेंसी कॉजेस, करते हो कि नहीं? और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि हम जब भी कभी किसी काम के लिए निकलते हैं तो हमें जो, अच्छा बताइए, कितने लोग स्कूटर या कोई किसी तरह का व्हीकल ड्राइव करते हैं कुछ भी, कितने लोग करते हैं? वेरी गुड, लेकिन बहुत थोड़े से लोग करते हैं, मेजोरिटी लोग नहीं करते हैं. आज की नारी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? शी शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इन फॉर्म ऑफ. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते 20 हून अधिक जवानांच्या आई व पत्नींचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी प्रमुख पाहुण्या म्हणून डॉक्टर रत्ना दीक्षित व जिजामाता हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका लीला पाटील उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महिला आघाडीच्या अध्यक्षा रेणू किल्लेकर तसेच माजी महापौर सरिता पाटील उपस्थित होत्या. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.